एक एनिमेटेड फिल्म है. इसकी खासियत ये है कि इस जॉनरा विच इज़ एक्शन साईफाई एडवेंचर, इस जॉनरा में एनिमेटेड फिल्म पाकिस्तान में पहले बनी नहीं है. दूसरी इसकी खासियत यह है कि यह हमने अपनी तरफ से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और जो हमारी जो पहली फिल्म थी लेजेंड ऑफ मारखोर या और जो फिल्में आई हैं उनके मुकाबले में, इसकी क्वालिटी, एंटरटेनमेंट, स्टोरी की अपील बढ़ाने के लिए हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसकी क्वालिटी और बेंचमार्क को अप किया है. एक और खासियत उसकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये है कि पाकिस्तान की पहली फिल्म होगी जो कि आप 3D ग्लासेस के साथ सिनेमा में देख सकते हैं. इससे पहले पाकिस्तानी कोई भी लाइव एक्शन या एनिमेटेड फिल्म ऐसी आई नहीं. जो थीम थी वो दैट वाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. वो एक बॉन्ड क्रिएट करने का अटेम्प्ट था कि जानवरों के साथ बच्चों को, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन को बॉन्ड क्रिएट हो जाए. उसकी वजह से जब वो बड़े हों और एडल्ट्स बने तो उनके दिल में एक एम्पथी हो टूवर्ड्स एनिमल. जो हमारे विलन है विच इज अली जफर, ठीक है, उन्होंने गाना भी किया है इस फिल्म के लिए. और उसके अलावा आपको यू प्रॉब्ली नो बट इज लाइक बुशरा अंसारी इन इट, एंड हुमायूं सईद, मीरा जी इज डूइंग अ कैमियो रोल इन इट एंड ऑल दैट. सो वो एंड देयर इज मेनी. सिंस हमने ये ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि उनके कैरेक्टर्स हैं क्या, सो बिकॉज मेन थीम जो फिल्म की इज ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन. हुमायूं सईद जो हैं वो उन्होंने ही वॉज वेरी काइंड टू बी टू लाइक प्ले अ रोल ऑफ अ ट्री. मगर यू नो जैसे आपको पता है कि कोई भी जो चीज़ अच्छी होती है या वर्थ इट होती है, जिसकी एक वर्थ होती है, वो कभी भी आराम से नहीं है और आसानी से नहीं आती. उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जो एंड रिज़ल्ट है वो यू नो आपके सामने है. एंड तो आई थिंक वो ज़ाया नहीं हुई वो जो परेशानियाँ और वो जो मेहनतें हमने की हैं. तो डेफिनेटली हमने इसका बार या पाकिस्तान में जो एनिमेटेड कंटेंट बनता रहा है उसका बार बहुत ज़्यादा पुश किया. जो हमारी कैपेसिटी थी, जितनी हमारी रिसोर्सेज थी उसके हिसाब से, जितनी हमारी अकल समझ थी उसके हिसाब से, जितना ज़्यादा हम उसको पुश कर सकते थे वो हमने ज़रूर किया. ताकि द होल पॉइंट वॉज कि जी पाकिस्तानी भी प्राउड फील करें, इंटरनेशनली जो है उसको एक अटेंशन मिले पॉजिटिव, कि लोगों को ये पता चले यार पाकिस्तानी भी हैं और लाइक वो क्या कर सकते हैं, राइट. तो डेफिनेटली उसके अंदर क्वालिटी अपग्रेड तो बहुत बड़ा है. मगर मैं उसको जो है लाइक यू नो हॉलीवुड की फिल्मों के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक और लेवल होती है और वो लेवल अलग करेगा इंशाल्लाह इन द फ्यूचर पाकिस्तानी स्टूडियोज़ एंड पाकिस्तानीज़ विल अचीव इंशाल्लाह.